नमस्कार बच्चों, आपका हमारे चैनल एडुबी लव पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं कार्य पत्रक 22 क्लास 8वीं का विज्ञान का, जो कि कितनी तारीख का है, 30 तारीख का है। इसमें पढ़ेंगे धातु व अधातु। आज हम धातु व अधातु के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले हम करते हैं धातुओं की चर्चा। पहला हमें क्या दे रखा है, धातु चमकदार होती है, क्यों, क्योंकि इसलिए होती है, तो इसलिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आभूषण बनाने में किया जाता है, जैसे सोना, जैसे कि सोना चांदी हमारा धातु है, तो किसके लिए यूज होता है, ये हमारा आभूषण बनाने में उपयोग होता है। दूसरा हमें दे रखा है धातुओं का उपयोग किस में होता है, मशीनरी यानी मशीन बनाने में, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ी वगैरह बनाने में, गाड़ी, हवाई जहाज, ट्रेन आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा हमारा दे रखा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल कहाँ होता है, लोहे और एल्यूमिनियम, जो हमारा लोहा और एल्यूमिनियम है वो क्या है, हमारा धातु है, उसकी चादर मतलब उसकी पतली पतली परत का किस चीज में इस्तेमाल होता है, घरों की छत बनाने में, घरों की छत, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आजकल ये ब्लू कलर की शीट आपको दिखा रखी है। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या दे रखा है हमें। नेक्स्ट हमें दे रखा है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं, विद्युत की सुचालक होती है, क्यों होती हैं, क्योंकि वह धातुएं हैं। धातुएं अगर सुचालक हैं तो हम इसका किस किस चीज में उपयोग कर सकते हैं, इसलिए हम इसका बिजली के उपकरण के को बनाने में उपयोग कर किया जाता है, और इसका हम तार बनाने में भी हो, जैसे बिजली के उपकरण जैसे हमारे हो गए तार हो गए हमारे, इसमें हमारा यूज होता है। नेक्स्ट हमें दे रखा है धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। किस किस चीज की सुचालक होती हैं, एक तो विद्युत की और ऊष्मा की भी सुचालक होती है, इसलिए इसका उपयोग खाना पकाने के बर्तनों में किया जाता है। हमारे खाना बनाने के बर्तन कैसे होते हैं बच्चों, लोहे के या फिर स्टील के, लोहे के होते हैं हमें धातुओं के होते हैं, तो खाना पकाने में जैसे लोहा, कॉपर, इन सब के बर्तन होते हैं, और एल्यूमिनियम, तो जो उसके अंदर पीछे वो होती है ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा उसके अंदर जाती है जिस वजह से वो जल्दी गर्म हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है, अगला हमें दे रखा है थर्मामीटर। थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर के अंदर जो ये होता है हमारा, ये हमारा मरकरी होता है। अगर ये बढ़ रहा है तो यानी तापमान बढ़ रहा है मरकरी, अगर मरकरी नीचे आ रहा है तो तापमान घट रहा है, तो हमारा ये थर्मामीटर में यूज होता है मरकरी। तो मरकरी हमारा क्या हुआ, एक धातु हुआ। आइए अब देखते हैं अधातुओं का उपयोग। अधातु में सबसे पहले हमें दे रखा है बच्चों कार्बन। कार्बन क्या है, एक अधातु, हमें सबसे पहले अधातु दे रखी है कार्बन। कार्बन एक अधातु है जो सभी जीवों के अंदर पाई जाती है और उनके उत्पाद में मौजूद है, मतलब कोई भी चीज बिना कार्बन के संभव नहीं है। इसके जैसे कि हमारे पेंसिल है, पेंसिल के ऊपर की लीड होती है, वो हमारी किसमें पाई जाती है, देखिए जैसे उसका उपयोग पेंसिल, कोयला, बैटरी आदि में किया जाता है। देखिए जो कोयला होता है वो भी कार्बन का बना हुआ होता है, और जो हमारी पेंसिल में ये लेड होती है मतलब जो उसकी नोकी होती है वो कैसी होती है, हमारी इस चीज की बनी हुई है अधातु। कौन सा अधातु, कार्बन अधातु। दूसरा हमें दे रखा है फास्फोरस। फास्फोरस हमारा किस चीज में होता है, माचिस बनाने में, बम पटाखे बनाने में, और जर्सीमाइट बनाने में, और विस्फोटक बनाने में, और यह बहुत खतरनाक भी होता है। नेक्स्ट दे रखा है हमें सल्फर। सल्फर हमारा क्या है, एक अधातु है जो दवा बनाने में यूज होता है, बारूद और एसिड बनाने में, किस किस चीज में यूज होता है, दवा, बारूद और एसिड बनाने में इसका उपयोग होता है। तीसरा हमें दे रखा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहाँ होता है, उपवर्ग एवं कीटनाशक। उपवर्ग मतलब हमारे जो खाद होती है वो, और कीटनाशकों का उपयोग बनाने के लिए मतलब उसको उत्पाद करने के लिए हमारा यूज होता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन। आयोडीन हमारा एंटीसेप्टिक दवाइयों को बनाने में व औषधीय उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हमारा ये आपको दिख रही होगी बोतल, जैसे डिटॉल वगैरह आते हैं, जैसे आपको चोट लग जाए तो उसके ऊपर हम
जो दवा लगाते हैं पानी की तरह, वो हमारी किस चीज से बनी हुई होती है? उसके अंदर क्या होता है बच्चों? आयोडीन, जैसे बीटा डीन हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें दे रखी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस चीज में काम आती है? सबसे पहले तो सांस लेने में व ईंधन को जलाने में, या दहन करने के लिए, इंजन का अगर दहन करना है हमें या कोई चीज जलानी है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन का आसपास ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्लोरीन। क्लोरीन किस लिए यूज होता है? जल सोंगन शोधन प्रक्रिया में, मतलब जल को साफ करने के लिए। आइए हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। किन्हीं चार धातुओं एवं अधातुओं के नाम बताइए तथा उनके उपयोग लिखने। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं धातुओं के उपयोग। हमें धातु दे रखी है, देखिए हम देखते हैं धातुओं का उपयोग। ये हमारा आंसर नंबर वन, पहला आंसर। देखिए पहला में दे रखा है सोना और चांदी, किसके लिए होते हैं? इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अच्छा पूरा नहीं लिखा है तो मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमें दे रखा है एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? घरों के उसमें, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हम देख सकते हैं कि हमारे जो बर्तन होते हैं यानी लोहा, कापर और एल्यूमिनियम, किसके लिए होता है? उनका उपयोग खाना बनाने या पकाने के बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है। ये हमारा हुआ तीसरा। और चौथा पॉइंट हुआ हमारा थर्मामीटर में। थर्मामीटर में हमारा जो मरकरी होता है वो धातु होता है। आइए दूसरा देखते हैं अधातु के उपयोग। अधातु में हम लिखेंगे चार पॉइंट। पहला हम लिखेंगे सल्फर, नाइट्रोजन, आयोडीन और ऑक्सीजन। हम कोई भी चार लिख सकते हैं, ये आंसर पहले का ही आपका भाग है। दूसरा हमें दे रखा है, देखिए दूसरा प्रश्न की तरफ आते हैं। खाना पकाने के बर्तन धातुओं के क्यों बने होते हैं? क्यों बने होते हैं? क्योंकि धातुएं, क्योंकि देखिए खाना पकाने के बर्तन धातुओं के बने होते हैं क्योंकि, क्योंकि के बाद हमें ऊपर गिवन है, देखिए आइए, क्योंकि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? ऊष्मा की सुचालक। ये हमें दे रखा है हमारा दूसरा आंसर। तीसरा देखते हैं। तीसरा हमें दे रखा है पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि पटाखे के अंदर क्या होता है हमारा? फॉस्फोरस होता है, इसलिए वह पटाखे जलाना हानिकारक होता है क्योंकि इसमें फास्फोरस होता है। ठीक है बच्चों। चौथा हमें दे रखा है थर्मामीटर का कार्य बताइए। थर्मामीटर किस कार्य आता है हमारा? थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग होता है। थर्मामीटर किस काम आता है? थर्मामीटर हमारा तापमान, थर्मामीटर तापमान नापने में, तापमान के लिए, तापमान के लिए काम आता है। पांचवा प्रश्न हमें दे रखा है चोट पर लगाने वाली दवा में किस धातु का उपयोग होता है? उपयोग होता है कौन सी धातु का उपयोग होता है? हमारी आयोडीन का उपयोग होता है। किसका होता है? आयोडीन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच आज की हमारी वीडियो देखने के लिए।